राधे राधे दोस्तों, ये देखिए हम बना रहे हैं सिर्फ 2 मीटर कपड़े में बहुत अच्छी घेर वाली सलवार, बेल्ट वाली सलवार। इसकी बेल्ट की चौड़ाई है 10 इंच, 10 इंच हम कटिंग करेंगे तो 8 इंच आएगी तैयार होकर। 10 इंच पे हमने ये मिस मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद अब हम इसकी सीधी लाइन खींचेंगे। सीधी लाइन खींचने के बाद अब इसको हम कट कर देंगे। परफेक्ट कटिंग करने के लिए आप इसको पूरा देखिए। अब इस कपड़े को हम इधर पूरा बिछाएंगे। कपड़े को दोनों साइड से बराबर करके अच्छे से इसको बिछाएंगे। बिछाने के बाद इसको अच्छे से हाथ से सही कर लेंगे। ये है सलवार जिसके हम नाप की सलवार बना रहे हैं। इसकी मोरी है 6 इंच तैयार, तो हम कटिंग करेंगे 7 इंच की। अब इस पे हम 7 इंच का यहाँ मार्क करेंगे। तो ऊपर म्यानी के लिए हम 9 इंच पे मार्क करेंगे। अब इसको हम तिरछा वहां पर जॉइंट कर देंगे। यहां से इसकी सीधी लाइन खींच देंगे। यहां से इसकी नीचाई देखेंगे कहां पर आ रही है। यहां पर नीचाई आ रही है और मोहरी के फोल्ड करने के लिए भी कपड़ा इसी में निकल आएगा। हमें अलग से कपड़ा जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको यहाँ से हम कट कर देंगे। इतनी इजी तरीके से हम आपको बता रहे हैं, कोई भी बना लेगा इसे। बहुत अच्छी फिटिंग बनती है और हमें कई इसमें जॉइंट भी नहीं लगाने पड़ते हैं। बहुत सारे जो इधर का कपड़ा है उसे पलट के उसकी कली के लिए उसके बराबर पे रख के कटिंग करेंगे।
अब उसके बराबर से हम इसे कट कर देंगे। इसके बराबर कट करने के बाद जो जॉइंट वाला कपड़ा है उसे हम खोल देंगे। ये है सलवार की बहुत परफेक्ट फिटिंग आती है, इसकी बहुत अच्छी कटिंग होती है। सिर्फ 2 मीटर कपड़े में आप बनाइए घेर वाली सलवार। अब हम म्यानी कट करेंगे। इसमें बचा हुआ कपड़ा जो साइड का निकलता है उसमें से हम म्यानी बनाएंगे और नेफा की चौड़ाई रखेंगे हम, लंबाई रखेंगे 25 इंच। हम 25.5 इंच कट करेंगे, आधा इंच जाएगा फोल्डिंग में। इसको सही से बिछाकर अच्छे से फिर हम इसको कट कर देंगे। अब ये हम कट के निशान इस पे लगा देंगे, इसलिए इसमें जो इसका फ्रंट होता है ना और बैक, उसमें जो निशान लगाए जाते हैं साइड में जहाँ से प्लेट डालना हम लोग स्टार्ट करते हैं उसके लिए इसमें कट लगा देते हैं, तो हमें लोगों को पता रहता है कि ये कौन सी साइड है। अब ये छोटा सा बचा हुआ कपड़ा है, इसमें से हम निकालेंगे म्यानी और सलवार के लिए नाड़ा। म्यानी हम निकालेंगे 9.5 इंच की, 9.5 इंच लंबाई और चौड़ाई अपने हिसाब से रख सकते हैं, 6 इंच भी रख सकते हैं, 5 इंच भी। अगर ज़्यादा घेर है तो हम म्यानी छोटी लगाते हैं, अगर घेर कम है तो म्यानी बड़ी लगाते हैं। ये देखो हो गई म्यानी की कटिंग। अब ये बचा हुआ कपड़ा इसमें से हम बनाएंगे नाड़ा। ये हमारी कटिंग की वीडियो है। अगर आप स्टिचिंग की वीडियो देखना चाहते हो तो हम अब बनाएंगे तब स्टिचिंग की वीडियो भी डालेंगे। पूरा वीडियो देखें।